हे दोस्तों, तो हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? काम यार बेटा, तैयार कर दिया। देखो पापा सारे तैयार कर दिए हैं। तो सो क्या होता है कि रात होते ही काम खत्म होते ही सब चीज करके हम किनारे उनारे सेट कर देते हैं, ये फैला रहता है ना। अब सुबह उठते फिर हमको ये चीज अरेंज करनी होती है कि बच्चा खेल सके, क्योंकि अब हम लोग उसे छोड़ के रखते हैं, खेलते रहे, एंजॉय करते रहे। अभी पूरी करो करो करो, ये आराम से कर लेती है, करती है। स्लाइड करो, स्लाइड करो बेटा, करो 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 करो, आपको धक्का देने जरूरत है, खुद अपने से कर लेती है, खुद अपने से कर लेती है। करो करो बेटा, करो 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 करो, अपने से कर लेगी, देखिए करेगी, ट्रस्ट नहीं करो। एक मिनट देखिए, मैं आती हूँ। हट जा कुकी, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ। ये सामने आप बैठे तो सब अपने आप आ जाए, सामने बैठी थोड़ा सा। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिलके ना कम नहीं आना, स्लाइडर है बेटा, आ जाओ। चलो आप हटिए, आप हटिए 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 हटिए, जरा मैं देखूँ, जरा आ जाओ आ जाओ बेटा, आओ, डर गई के बार, आओ आओ बेटा, आओ आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, हाँ आओ आओ आओ, चलो आओ। तभी अनबैलेंस हो गई, कैमरा पकड़े थे एक हाथ में, संभाल नहीं पाती, अनबैलेंस हो गई, डर गई है ये। हाँ कर, आप कर सॉफ्ट सॉफ्ट कर सॉफ्ट कर, कुछ नहीं हम है ना, ये मजे मजे। तो सो ये सब भी अरेंज कर देते, क्योंकि जब बेड मिलाएंगे ना तो ये बेड खूब एंजॉय करेगी टेंट हाउस के साथ। वो झाड़ू लगा रहे थे, फैन बंद किया था सर। हाँ फैन बंद किया तो हालत खराब हो गई है ना। अब जो गर्मी पड़ रही है ना, फिर आ रहा है जैसे बारिश होगी, इसकी इसकी ऐसा फीलिंग होगा। क्या हुआ है, क्या कर रही है ये? अरे यार मार रहे, सब जगह कचरा फैला रही है, मैं मार रहा हूँ झाड़ू, एक कचरा, कचरा उठा रही है। सिर्फ इसका यही तो काम है यार, परेशान करना। झाड़ू इंसान लगा रहा है तो झाड़ू लगाने देगी, कचरा पकड़ पकड़ के ले मिल्की आती है उठा लिया यार। अब वो झाड़ू भी देखना पड़ता, झंडू काम है यार। झाड़ू की हालत क्या है दोस्तों, 10 साल से बोल रही हूँ कि झाड़ू लिया झाड़ू लिया, ये मरा हुआ झाड़ू 20-25 साल और कितने साल चलेगा बोलिए? 25 साल तो मेरा उम्र नहीं हुआ। 25 साल उम्र नहीं हुई है बेटा, क्या बोल रहे हैं पापा? हाँ तो बच्ची किसकी आ गई है भाई, तो 25 साल बच्चा नहीं आ सकता। तो दोस्तों अब ये झाड़ू मुझे ना 20-25 साल और चलाना है, देख सकते हैं, क्योंकि ये आदमी लागे ही नहीं देगा। क्या दिक्कत क्या है इसमें ये बताओ? अरे इतना मरा हुआ झाड़ू है यार दोस्तों, ये तो फिर भी कैमरे में ठीक ठाक दिख रहा है, इसमें कोई दम नहीं है इस झाड़ू में, मतलब कैमरे में ठीक ठाक दिख रहा है ना। हाँ कैमरे में ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन कैमरे में खराब दिखने का उसे नया ला देंगे। अच्छा दोस्तों ये मतलब इसमें कुछ बचा ही नहीं है यार, ये फुस्सी है, मतलब इसमें दम ही नहीं है, बस कैसे कैसे करके चला रहा है, लेकिन इस आदमी को 20-30 साल और चाहिए, सुन के फिर ये ले ला के देंगे। एक एक चीज के लिए दोस्तों मुझे लड़ना पड़ता है। मार्केट है, हाँ और लाइए। अरे बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊँ भाई, मैं खुद जाने नहीं देते हैं यार, खुद दोस्तों खुद रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि मिल्की को लेके नहीं जाना, कि मिल्की को लेके नहीं मार्केटिंग करनी, क्योंकि दोस्तों क्या होता ना कि जब औरतें मार्केटिंग करने लग जाती हैं, सामान लेने जाती हैं, तो बच्चे को खड़ा कर देती हैं और फिर तो गलत होने का चांसेस रहता है, बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, बच्चे को उठा के ना ले जाए, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी बहुत छोटी है ना, अभी अब गर्मी भी बहुत है यार, बाहर क्यों ले जाओगे? हाँ तो वही है, तो इसीलिए ये भी मुझे जाने नहीं देते कि नहीं मिलगी को अकेले तो तुम लेके जाओगी नहीं, लेके जाने ही नहीं देते हैं। तो मैं झाड़ू कहाँ से लेके आऊँ? हाँ से, हाँ नीचे से, मैं यहाँ बैठा हूँ, जाओ अभी जाओ। हाँ नहीं जाना मुझे, मेरा काम है मेरा। देख देख देखिए अभी मैंने क्या बोला कि मैं हूँ ना, जाए तभी नहीं, मेरे साथ छोड़ सकती है मिलगी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इनका काम तमाम चलता रहेगा दोस्तों, इसलिए हाँ इसलिए आप ही झाड़ू लगाइए दोस्तों, इसलिए मैं गुस्से में बोलते हैं आप ही झाड़ू, जिस तरह से झाड़ू जो रखे हैं ना तो आप ही लगाइए दोस्तों। जब मर्द आपका काम ना सुने ना तो वो काम उन्हीं से करवाइए, ताकि उनको समझ में आए कि औरत कितने कष्ट से झाड़ू पोछा लगाती है। तो लगाइए ना, आप ही लगाया करिए डेली आराम, ठीक है ना? हाँ तो आप ही लगाया करिए। और वहाँ दोस्तों वो बैठ के आराम से अपना चिल्ला चौट कर रही है, बिल्कुल क्या अब लेके आके देगी, क्या कचरा क्या है, क्या है दिखाओ दिखाओ, show me show me that, give me that, give me give me give me, क्या है? ओरे रे ये था, क्या था? कुछ नहीं था। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए? हाँ अब गैस ऑन कर लीजिए।
तो छास आता है, बच्चे के लिए भी अनहेल्दी है। गैस ऑन कर लिए? नहीं। अब ऑन कर लीजिए। तो 200 सिखाया जा रहा मेरे पति देव को राजमा बनाना, क्योंकि अगर मैं आज तुमने लाइट बोल यार मोर बाप इतना तेज चिल्लाते हैं यार, छींकते हैं कि पूरे उसको हॉर्न देते हैं पूरे। तुम्हारे तरह थोड़े छींकते हैं। अरे यार चलो उधर चलो। अब अजय की मम्मी बच्ची छींक रही है, क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं हुआ, इससे छौक लग गया, कोई बात। हाँ भाई छौक के कारण ही। अरे यार ये उस दिन भी इसी समय कटा था, शाम को आया। अच्छा भुना भुना फील होना डालेंगे तब टमाटर डाल देना है। नहीं रहा कुछ भी, क्या भुना भाई भाई ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। तो समझ एक मिनट। हाँ तो मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि मैं काम पे लग जाऊँ। टमाटर डाल के मटर मसाला डाल दूंगा। हाँ टमाटर डालिएगा, नमक डालिएगा ताकि गलने में आसानी होती है। कुछ कुछ काट दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। मटर मसाला डाल दूंगा, टमाटर डालने का नमक डालने का मटर मसाला डाल दूंगा। हाँ और उसके बाद राजमा डाल दूंगा। हाँ 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 जब मसाला फ्राई हो जाए फ्राई करके सीधे वो डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अपने पति देव को राजमा बनाना सिखा रही हूँ, मतलब कि क्या होता है कि बना रहे थे तो मैं उससे बताते जा रही हूँ, वो करते जा रहे हैं। इसलिए कि दोस्तों क्या होता है दोनों में से एक जन कोई बिजी है ना तो दूसरा काम हैंडल कर सकते हैं। मैं सिर्फ दूसरे काम में अपना बिजी थी, मतलब लैपटॉप पे आप देख सकते हैं, वो लैपटॉप पे मेरा काम चल रहा है। तो जिस कारण क्या है कि विवेक कोशिश कर रहे थे कि वो काम करके कंप्लीट कर ले ताकि घर का काम हो सके जल्दी जल्दी। हाँ तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों हम लोग एक दूसरे को बता देते हैं, ये भी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि हाँ मुझे बताते जाओ मैं बना दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का काम हल्का हो जाता है। तो एक अच्छे पार्टनर में यही तो होना चाहिए, है ना डार्लिंग? दोनों में होना चाहिए। हाँ भाई दोनों में होना चाहिए, पत्नी तो ऑलमोस्ट होती ही है, पत्नी का तो नो डाउट, पत्नियाँ तो अच्छी होती हैं, वो पति को बना के खिलाना बनाना ये करती करती हैं। हालांकि मेरी बात अलग है। क्यों नहीं, क्यों बात अलग है, मैं कहाँ करती हूँ। क्या बात करती है तुम, वही चीजें नहीं होती ना। ये आपसे बुलवाना चाह रही थी ताकि लोगों को पता चले आपके मुंह से निकले पीछे हटना, इसे मुंह से निकलवाना चाहिए थी टॉपिक मैंने छेड़ा ताकि आप कुछ तो बोले मेरे बारे में। जो रियलिटी है अब हर चीज अब तुम कर रही होती है तो मैं बेबी को संभाल रहा होता हूँ, कैमरा मैं नहीं उठाता हूँ ज्यादा, तुम उठाती हो। मैं जब कर रहा हूँ अभी तुम अपना लैपटॉप छोड़ के कैमरा उठा, मैं नहीं करता। हाँ। तो जो दिखता है वो लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हर 24 घंटे ब्लॉगिंग नहीं चल रहा होता इस घर में। हाँ। तो दोनों आदमी मिल बांट के करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि क्या है। अब मुझे सुबह 10 बजे निकलना होता है तो मुझे 7 बजे नाश्ता मिल जाता तो कौन करके देता है। हाँ। तो उसमें ब्लॉगिंग नहीं उठाएंगे ना, इंसान घाई घाई में रहता है, भागने के फिराक में रहता है कि भाई निकलना है, तो वही सब फर्क है। थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए, मेरे बारे में बोलने के लिए। ऐसे मैं हिंट मार मार के ना अपने मुंह से निकलवाती रहा करूँ जब आपका वीडियो बनाती रहा। मुझे पता चल गया ना तब तो अपना काम धंधा करिए चुपचाप, समझे? मैं अपना काम में लगी हूँ, लाइट भी गोल हो गया। ये क्या कर सकती है, ये यही तो कर सकती है। हाथ दिखाओ कहाँ है, बापरे हाथ दिखाओ क्या था, ये पूरा पोछ ली है। पोछ ली है, मैं दिखाता हूँ डार्लिंग। पोछ ली है इसने, क्या किया हुआ है यार। ये जो कटोरी था इसमें कटोरी में तो ये राजमा नहीं था, अब आप नीचे से उठाए हैं आप। हाँ ये फेंक देंगे, बोल रहे कि इसके लिए हाँ। थोड़ा सा राजमा निकाले थे कि राजमा खिलाएंगे, इसलिए हाँ, कटोरी उठा के फेंक के पूरा राजमा फेंक दिया। हाँ क्योंकि दोस्तों मैं राजमा बन रहा था तो राजमा लोग मसालेदार होता तो उसको मसालेदार खिला नहीं सकते, इसलिए राजमा मिला देते इसके, क्योंकि उसके दाल चावल बनाओ चाहे खिचड़ी बनाओ तो उसमें हम ऐड कर देंगे ताकि राजमा उसके में जाए उसके बॉडी में वो खाए। लेकिन इसने क्या क्या हाथ मार करके पर गिरा दी, तो मैश क्यों कर रहे हैं इसको? ऐसे ही चल तुम बातें कर, मैं चला रहा था। अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसे भी कम राजमा फुलाए थे, वो इसके लिए निकाल दे। क्या है दिखा इधर। दोस्तों ये क्या करती है आजकल, इसका हाथ पूरा पहुंचने लगा, ये प्लेटफॉर्म से बर्तन निकाल के गिराने लग गई। तो डर ये भी है कि कभी कभी गर्म सामान रखा तो उसके ऊपर गिर ना जाए, और इस सारे इसने करके सारे बर्बाद कर रही है। देखिए अभी जैसे राजमा से रखा पूरा कटोरी में पूरा से गिरा दिया। निकाल दो क्या करो, निकाल दो। उबला हुआ रखा हुआ है अभी, कहाँ रखेंगे। ठीक है फिर निकाल दीजिए।